तो दोस्तों, ये एक वीवो का फ़ोन है हमारे पास, वीवो Y22। और इसमें क्या दिक्कत है कि इसमें जो है हमारा प्ले स्टोर जो है चल नहीं रहा, प्ले स्टोर काम नहीं करता है। तो प्ले स्टोर अगर आपका भी नहीं चल रहा है वीवो Y22 या फिर वीवो के किसी अन्य डिवाइस के अंदर, तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को ठीक करोगे? तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये वाली अगर प्रॉब्लम आपको आ रही है तो सीधे से आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम ठीक करोगे। तो यहाँ पे क्या है कि ये फ़ोन थोड़ा सा जो है, मतलब हमने अपडेट वगैरह नहीं किया है, तो ऑप्शन थोड़े से अलग हो सकते हैं, बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें सेम ही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपको इसके लिए आपको फ़ोन की सेटिंग ओपन करनी है। ठीक है, यहाँ पे आप फ़ोन की सेटिंग में चले जाएंगे, और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे क्या करना है कि आपको ऐप्स का ऑप्शन ढूंढना है। अब ये सेटिंग थोड़ी सी हमारे फ़ोन में अलग अलग टाइप से आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है फ़ोन हमने बहुत टाइम से अपडेट नहीं किया है, इसका कोई भी अपडेट वगैरह हम चेक नहीं करते। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐप इन्फो में आ जाऊँगा या फिर एप्लीकेशन में आकर सारे ऐप आ जाएंगे इसमें, इसे ऐप इन्फो ही कहा जाता है। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे प्ले स्टोर का ऐप जो है उसको ढूंढ लेना है, फाइंड कर लेना है, और उस ऐप का डाटा क्लियर करके देखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये गूगल प्ले स्टोर लिखा है, बस आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, स्टोरेज में जा करना है इसके, और यहाँ पे क्लियर डाटा आपको कर देना है। ठीक है, ये इसका मैंने क्लियर डाटा कर दिया। अब यहाँ पे हम अपने फ़ोन का प्ले स्टोर खोलेंगे एक बार, और उसके बाद आपको बता दें क्या प्ले स्टोर चल रहा है या नहीं। ठीक है, ये प्ले स्टोर रहा, प्ले स्टोर के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे प्ले स्टोर जो है हमारा सही तरीके से वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा, और कोई भी दिक्कत या फिर कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए ये प्ले स्टोर जो है हमारा काफ़ी मतलब सही से चल जाएगा, इंस्टॉल भी हो जाएगा, अगर कुछ मुझे इंस्टॉल करना है तो वो भी हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।